ज्ञानी जसवंत सिंह साहिब जी मंजी साहिब वाले। अंदाज़ बड़ा वधिया वै, थोड़ा मजाक जिहा उन्हां दा हुंदा हासे वाला। सो पहले आपां उन्हां दी वीडियो देखते हैं, फिर आपां गलबात करते हैं। फतेह दी गूंज पैनी चाहीदी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबे धने ने आख्या भी भुख्या तो भगती नहीं होंगी। मैं थोड़ा थोड़ा जा मूड सैट कर दिया, तो मैनू प्रकरण चेते आ गया। मैं इत्थे गल लियावांगा। याद रखिया जे बाद भेखना नहीं, जिन्ना मन साधा वेगा रब छेती मिलेगा। जेड़ा बाबा धन्ना है ना, बिल्कुल सही गल। ये जिमीदार का कम करता, जिमीदार सी ते त्रिलोचन नाम का एक पंडित है, तो वह कहता धनिया मेरी भी गां छड़ लिया कर, ले रोज गां ले जाया करे। एक दिन बाबा धन्ना टाइम तो पहला चला गया, तो त्रिलोचन नाम का वह भगत ब्राह्मण ठाकर दे अगे थाली रख के, तो कहिंदा हुण भोग लाओ, तो आप ही मुड़ के मूँह ला के आप खा के पासे हो गया। तो बाबा धन्ना कहन लगा भी ये कौन कहिंदा जी रब है, तो इहनूं मैं भोग लवाउणा है। तो बाबा धन्ना कहन लगा एक रब मैनू भी दे दे। मैं नहीं जे कहिंदा, भाई गुरदास कहिंदा दे पत्थर एक लपेड़ कर दे धन्ने नूं गैल छड़ावे। एक पत्थर लपेड़ दिता, तो बाबे धन्ने नूं कहन लगा रब ही। तो बाबे धन्ने नूं चढ़ गया चा भी आ हुण रब आया काबू, ते डंगर मोड़े कदे मौजां करांगे, नाल पाणी लवाया करेगा। बाबे धन्ने ने जदों ये मैं जिहड़ी गल सुणा रहा, मैं अपने चाचे संत करतार सिंह कोलों सुनी, तो मैनू मन नूं हिट करदी, तो मैं तां सुणाउण लगा। बाबे धन्ने ने वह पत्थर की मूर्ति रख ली, तो कहन लगा भी रब्बा बेनती हो भी वह पंडित सी वेला, तो आपां काम कार वाले बंदे तू किजा खीरा दा, इत्थे बाजरे की रोटी ते साग मिलेगा भावें चार खा ली। ये हुण वह बेनती करी जांदा, मुड़ के जदों वेख्या ना भी हुण रोटी कौन किवें खाए पत्थर मूर्ति, कहन लगा चलो मैं समझ गया भी तू दूधा धारी बाबा है। जिवें मेरियां बीबियां भैणां बैठियां ने, एक बाबे नूं बड़ा मनदियां ने, ते मैनूं कई दिन कहणगियां ज्ञानी जी साडे बाबा जी जिहड़े रोटी नहीं खांदे। मैं कहा रोटी उह कानूं खा, रोटी खावेगा भाई जसवंत सिंह, तुहाडे बाबे ने 3 जूस दियां बोतलां पीतियां ने, उह रोटी खावेगा, किड्डा पखंड है। जिहड़े कहिंदे ना बाबा रोटी नहीं खांदा, ये 3-3 बोतलां जूस दियां पींदे जे 3-3 बोतलां। इन्हां लोकां तों बचो, क्योंकि जिहड़ा अन्न है ना, अन्न तों बिना साडा शरीर नहीं चलदा। अन्ने बिना ना होए सुकाल, बाणी दी पंक्ति। बाबा धन्ने ने हाथ जोड़ के आख्या भी हे महाराज जी, नहीं तू तेनू साग फिट ते मैं तेनू दुध चो दिना। उन्हें दुध की बाल्टी चोई, तो कहन लगा भी मित्रा बेनती भी वह पंडित सी त्रिलोचन वेला सी, तो मैं कम कार वाला बंदा, तो कलिया के डंगर बुरे हाल थी, तो तेनू बेनती भी कृपा करके दुध की घुट पी ला, नहीं तो मित्रा मम्मी नहीं खानी। 8 पैर बाबा धन्ना उस पत्थर की मूर्ति अगे बैठा रहा, ते विच्चों आवाज आई धनिया पत्थर रोटी नहीं खांदे। ते बाबा धन्ना कहन लगा खांदे जां नहीं खांदे, पर तेरी चलाकी फड़ ली मित्रा। हुण मैं जे पत्थर रोटी नहीं खांदे ते पत्थर बोलदे भी नहीं, जे बोलिया ते सीधा होके चुप करके दुध पी रहा घुट। जदों ने बाल्टी मूंह नूं ला ली ना, मैं वार वार बेनती कर रहा कि यह मैं संत बाबा करतार सिंह अपने चाचे को जो सुनिया बिल्कुल सुना रहा। ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੁਖੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਾ, ਕੱਲਾ ਬਾਲਟੀ ਚਾੜ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਗੜਾਇਆ। तो गल चली सी बाबा धन्ना कहिंदा भी महाराज लोग करते आरतियां, तो आप करने सीधा आरत। ज्ञानी जसवंत सिंह साहिब जी की आप कथा सुन दे सी, बहुत गहराई दे विच जाके गलबात करन दे सी। अंदाज बड़ा वधिया इन्हां दा यार। आहा हा, फतेह दी गूंज पैनी चाहीदी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपां ते दो शब्दां दे नाल आपां गलबात करांगे। हाँ जी,
हाय 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 वीरो गल बड़े ध्यान सुनियो। मैं तो मुसलमान हर एक सिख नू ये कहांगा अपने सिख वीर आहा कि अपनी दो शब्दों अपनी जिंदगी दे विच लैओ वीरो, अपनी जिंदगी नू ये दो शब्दों के मुताबिक वीरो गुजार लो। जिंदगी कामयाब ही कामयाब है, अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है, फतेह ही फतेह है। जमीन भी उस मालक दी, सिस्टम भी उस मालक का चलेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मन तन तन मन, मन का तलक वाहेगुरु जी के खालसे नाल है वीरो, तन का तलक वाहेगुरु जी की फतेह नाल है वीरो। गल बड़े ध्यान सुनियो वीरो, आप दो शब्दों नाल आप गलबात करांगे। वाहेगुरु जी का खालसा की जड़ी चीज़ उस मालक ने दी है? वाहेगुरु जी का खालसा खालस है, प्योर है, जनमन है। मन तो जोत स्वरूप है, मन उस मालक की देन है, जोत स्वरूप से। सो इस मन अच्छा एक होर चीज भी, मन तन तो बगैर फजूल है, तन मन तो बगैर फजूल है। भी जिसम ते रूह होएगी तो इंसान होएगा ना वीरो। जे अगर रूह निकल जाए तो जिसम रवे, सो वो तो फिर बंदा दुनिया तो रहा ही नहीं, वो तो फिर बंदा चढ़ाई कर गया। सीधी साफ गल है, वह तो फिर बंदा चढ़ाई कर गया। सो इस करके भी जिसम नू रूह दे मगर होना चाहिए वै, भी तन नू मन दे मगर होना चाहिए, उस मन दे मगर होना चाहिए जेड़ा मन जोत स्वरूप होवे। सो इस करके भी मन नू तन दे मगर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सो इस करके पहले पंगत है फिर संगत है, भी पहले ढिड भरो फिर संगत करो। हाँ जी, सो जमीन भी उस मालक दी ते सिस्टम भी उस मालक दा चलेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।